हमारे घर के पास गांव का सबसे ऊंचा पेड़ है। राजू को और मुझे उस पर चढ़ना बेहद पसंद है। मीना, आज हम पेड़ पर चढ़ेंगे। तुम्हें लगता है हम चढ़ पाएंगे? कोई मुश्किल थोड़ी है। ओह, ध्यान से राजू, ऊपर आओ। उतने ऊपर नहीं। मीना, राजू, बस पहुंच ही गया। राजू, और ऊपर नहीं। बचाओ, 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 कोई मुझे पकड़ो, पकड़ो। ओह राजू, ये क्या कर लिया? ओह मेरी बाह, दर्द हो रहा है। हाँ, हाँ, ये टूट गई है। ठहरो, मैं माँ को बुला कर लाती हूँ। ओहो, राजू को देखो। मिट्ठू, इसका ध्यान रखना। अब देखना, इसे अपनी माँ से डांट पड़ेगी। राजू के गिरने से माँ को बहुत फिक्र हो गई और मैं भी डर गई थी। हम तुरंत हेल्थ सेंटर वाली दीदी को दिखाने गए। काश हेल्थ सेंटर वाली दीदी अभी गांव में ही हो। देखो माँ, दीदी की साइकिल, वो रानू के घर में है। अरे रानू बेटी, क्या दीदी तुम्हारे यहाँ है? हाँ, वो मेरी माँ के पास है। माँ अंदर नहीं गई। उन्हें पता था कि रानू की माँ और उसका नन्हा भाई बहुत बीमार थे। उन्हें एड्स की बीमारी थी। गांव के कई लोग एड्स से डरते थे और वे इनके पास आते तक नहीं थे। क्या ये लोग अंदर जा रहे हैं? रानू के माँ को एड्स है और उसके भाई को भी। मेरे पिताजी कहते हैं इनको यहाँ से चले जाना चाहिए। हमें उनकी एड्स यहाँ नहीं चाहिए। मैं देखूं तुम क्या बना रही हो रानू। ए, हो सकता है रानू को भी एड्स हो। हाँ, रानू को एड्स है। 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 रानू, कितनी सुंदर तस्वीरें हैं। अरे क्या बात है रानू? दीदी, अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गईं। देखिए ना इस लड़के ने क्या किया, पेड़ पर से गिर पड़ा। क्या हो गया राजू, जरा देखूं तो। कोहनी को मोड़ सकते हो? गनीमत है, तुम्हारी बांह टूटी नहीं है, सिर्फ मोच आई है। और एक खास बात, जब तक बांह ठीक नहीं हो जाती, इसे पट्टी में लटका कर रखना होगा। फिर दीदी ने बैग से पट्टी निकाली और बांध कर राजू की बांह को सहारा दिया। राजू तो खुश था कि सब उसी के आसपास खड़े थे। आपकी बड़ी मेहरबानी दीदी। फिर उस पेड़ के पास मत जाना राजू। और अच्छा। फिर माँ बहुत नाराज हुई। अब तू बता मीना, तूने इसे पेड़ पर चढ़ने ही क्यों दिया? पर माँ, मैंने तो कहा था अपने ऊपर मत चढ़ो। मैंने तुमसे हजार बार कहा है कि एक न एक दिन तुम्हारी गर्दन टूटेगी। गर्दन टूटेगी हजार बार, गर्दन टूटेगी हजार बार। और अपनी कमीज देखो, अभी तो तुम्हें दिलाई थी। माँ ज्यादा देर तक गुस्सा थोड़े ही रह सकती हैं। ये ले बेटा, दूध पी ले। माँ, पी ले बेटा, अभी अच्छा गर्म है। माँ, क्या बात है मीना? माँ, वो बच्चे रानू को क्यों तंग कर रहे थे? रानू, शायद इसलिए कि उसके घर वालों को एड्स है। पर एड्स है क्या? ये एक बीमारी है मीना, एक बहुत खतरनाक बीमारी। मैं जानता हूँ एड्स क्या है। नहीं, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता। हाँ पता है। ओह तो बताओ फिर। वो एक चीज है, एक बड़ी सी चीज, इतनी बड़ी लगती है, इतनी देखा, तुम्हें एड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम दोनों बस भी करो, जब दीदी मिलेंगी तो उनसे एड्स के बारे में पूछेंगे। मीना, अब जाकर पानी ले आओ। अच्छा माँ। उसे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। नहीं पता, इसे कुछ नहीं पता। किसी को भी एड्स के बारे में कुछ नहीं पता, माँ को भी नहीं। तो फिर किससे पूछूं? मीना,
रानू। कौन? मीना। मैं पानी लेने जा रही हूँ, आओगी? नहीं, मैं नहीं आ सकती। रानू बेटी, मीना के साथ क्यों नहीं जाती? मैं जाऊँ? हाँ बेटी, और हमारे लिए थोड़ा सा पानी भी ले आना। अच्छा माँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि रानू मेरे साथ आई। वे लोग जब से गांव वापस आए हैं, रानू पहली बार किसी के साथ बाहर निकली। जब हम नल पर पहुँचे, शैतान बच्चे वहीं मौजूद थे। मीना, हे मीना, एज वाली लड़की के साथ क्यों है? रानू, क्या मैं तुम्हारी कॉपी पकड़ लूं? नहीं मीना। भला उसकी कॉपी में ऐसा क्या है? वो कॉपी में क्या करती है? वो एज का चित्र बनाती है। रानू, उनकी बात मत सुनो। रानू, एज। ये मजाक की बात नहीं है। तुम उसे क्यों चिढ़ाते हो? तुम एड्स के बारे में कुछ नहीं जानते। हम जानना भी नहीं चाहते। नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं। एक दिन बहुत तेज हवा चल रही थी और आसमान में चारों तरफ पतंगे उड़ रही थीं। राजू की बात ठीक हो चली थी, इसीलिए माँ ने उसकी पट्टी हटा दी। वो बहुत खुश हुआ। आओ मीना, चलकर पतंग उड़ाते हैं। पतंग, पतंग। रुको तो, मैं आ रही हूँ। पर पेड़ों पर मत चढ़ना। हवा इतनी तेज थी कि मैं बड़ी मुश्किल से पतंग पकड़ पा रही थी। उसे छोड़ दो मीना। मैं भी पतंग उड़ाना चाहती थी, पर राजू अपने में ही मस्त था। वापस दो, तुम मुझे वापस दो। अचानक मैंने देखा कि वे बच्चे रानू को तंग कर रहे थे। वापस दो, उन्होंने उसकी कॉपी ले ली थी। वापस दो, कहा रहा, वापस दो मुझे। मैं कॉपी उठाने के लिए दौड़ी, पर मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही कॉपी हवा में उड़ गई, दूर, बहुत दूर। मेरे होशियार मिठू, तुम सबके सब कितने खराब हो। पर हम तो सिर्फ, चलो यहाँ से चलते हैं रानो। मीना, तुम मेरी बनाई हुई तस्वीरें देखना चाहोगी? सचमुच देख लूं? ये तो बहुत सुंदर हैं। कैसे बनाई तुमने? पर ये तो कहानी जैसी लगती है। हाँ, ये मेरी कहानी है, कैसे मेरे पिताजी को एड्स की बीमारी हुई और उसका हम पर क्या असर पड़ा। ये है मेरे पिताजी और माँ, तब हम सब कितने खुश थे। रानू ने मुझे अपनी कहानी सुनाई। उसकी माँ बहुत सुंदर थी। उसने बताया कि उसके पिताजी उसे बहुत प्यार करते थे, रोज उसके साथ खेलते थे। फिर उसके पिताजी बीमार हो गए, बहुत कमजोर हो गए, और एक दिन डॉक्टर ने बताया कि उन्हें एड्स है। मैंने रानू से पूछा, उन्हें एड्स हुई कैसे? उसने बताया कि उसके पिताजी मोटर के नीचे आ गए थे, इससे उनका बहुत खून बह गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें खून दिया गया। खून की जांच सही नहीं हुई थी कि वो सुरक्षित है या नहीं। फिर पता चला कि वो एक ऐसे आदमी का खून था जिसे एड्स की बीमारी थी। खून के जरिए एड्स के विषाणु उनके शरीर में आ गए। उनकी चोट तो ठीक हो गई, पर एड्स उनके शरीर में बस गई। जब रानू की माँ और पिता के संग से उसका नन्हा भैया हुआ, तो एड्स के विषाणु उसकी माँ के शरीर में भी चले गए। अच्छा, तो एड्स इस तरह एक से दूसरे को लगती है। बिल्कुल सही। क्या तुम्हारे नन्हे भाई को एड्स तुम्हारी माँ से हुई? हाँ,
जब वो माँ के पेट में था तभी उसके खून में चली गई। और तुम रानू? मैं? डॉक्टर कहते हैं मुझे एड्स नहीं है। दीदी आपको तो हमने देखा ही नहीं। कोई बात नहीं बेटी, अपनी कहानी बताना अच्छी बात है। पर दीदी, रानो को उसकी परिवार से एड्स की बीमारी क्यों नहीं हुई? क्योंकि एड्स की बीमारी साथ रहने से नहीं होती और ना ही छूने भर से। पर वो उनके साथ खाना खाती है, उनके साथ रहती है। नहीं, जैसा रानो की कहानी से पता चलता है एड्स केवल कुछ कारणों से ही होता है और सबसे आम कारण है दो व्यक्तियों के बीच संभोग। अच्छा बच्चों, मैं रानो के घर उन लोगों से मिलने जा रही हूँ, क्या तुम लोग भी आना चाहोगे? चलो सब चले। हाँ चलो। दीदी, मेरे चाचा को हाल ही में अस्पताल में खून चढ़ाया गया था, क्या उन्हें भी रानो के बाबा की तरह एड्स हो जाएगी? ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि आजकल अस्पतालों में खून देते समय काफी सावधानी बरती जाती है। मीना, क्या उस पेड़ पर तुम्हारा भाई है? राजू? हाँ वो राजू ही था, मैं तो डर गई कि कहीं वो फिर से न गिर पड़े। राजू, नीचे उतर राजू, जल्दी नीचे आओ। अरे अरे राजू, फिर से? बेचारा राजू, अब उसकी दूसरी बांह में मोच आ गई थी। वो नहीं चाहता था कि घर जाए और माँ उसे देखें, इसलिए वो हमारे साथ रानो के घर आया। रानो और उसकी माँ इतने खुश थे कि पूछो मत। आज बहुत दिनों बाद उनके घर में कोई आया था और ये दिन हमारे लिए भी खास था। मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। रानो की वजह से अब हम सब एड्स के बारे में जानते हैं। आशा है आप भी। अपने सजाती हैं, पूरे करें उनको मन चाहा अवसर दो। सोचो फिर सोचो, घर की लड़कियों की सोचो। लड़की भी जाए स्कूल, सीखे पढ़ना लिखना, वो भी भविष्य बनाए अपना। भाई जैसा लड़की हमारे कल की आशा और खुशियाँ, उनकी भी पूरी हो इच्छा अभिलाषा। बंधन हटाओ उनके, आगे बढ़ाओ उनको। सोचो फिर सोचो, घर की लड़कियों।